गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम नाइन्थ क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करके रखा था उसी का एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड के सिंपली जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCl। इस तरीके से हम लाइक दैट इस तरीके से उसको लिखते हैं। लेकिन अब इसको लिखा कैसे जाता है, हम तो ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है, किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है, तो इनको ये फॉर्मूले बनाने के लिए हमें पहले उनकी जो उनकी जो वैलेंसीज होती है, जो हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि जैसे पेज नंबर 37 पे टेबल दिया गया है जिसमें नेम ऑफ आयंस और सिंबल्स के साथ में उनका मतलब उनके ऊपर उनकी जो वैलेंसी जो चार्ज आयन होता है वो उसमें बताया गया है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब वन इसके पास क्या होता है, उसका जो आयंस जो वैलेंसीज होती है लास्ट में वन होती है, इसके पास प्लस वन होता है, इसके पास क्या होती है, माइनस वन होती है, दोनों के पास वन वन होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का H और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। ठीक है, अब इसके पास क्या है, वन, और इसके पास भी क्या है, वन, तो दोनों को क्रॉस करते हैं, जब क्रॉस इस तरीके से करते हैं तो ये वाला जो होता है, ये वाला, इसके जो क्लोरीन वाला होता है वो हाइड्रोजन के पास होता है, हाइड्रोजन वाला होता है वो क्लोरीन के पास होता है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, वन वन है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोगों को देती हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम का जो होता है, आप टेबल में देखोगे यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ होता है, और क्लोराइड का आपको हमने अभी हम लोगों ने इसमें देखा, इसमें क्या होता है, माइनस वन होता है। तो ये तो हो गया माइनस वन और ये हो गया 2+, है ना। तो जो मैग्नीशियम का था वो 2 में हमने यहाँ लिखा, क्लोरीन का 1 था वो हमने यहाँ लिखा। तो क्लोरीन का 1 है तो 1 लिखे या नहीं लिखे उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, 2 हमने यहाँ पे लिखा, दोनों को हमने जब क्रॉस करेंगे तो ये जो इसका 2 मैग्नीशियम का 2 होगा वो क्लोरीन के पास चला जाएगा, और जो क्लोरीन का 1 होगा वो मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2। ठीक है, ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये तो तरीका होता है किसी भी सिंपल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास जो होता है स्टूडेंट्स वो सेम ही होता है। मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास में ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनकी डेफिनेशन ये है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी है, जितना जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूलर मास हम लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हमने यहाँ पे H2O लिया है ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सम ऑफ द, इसकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, मतलब जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर जो कम मॉलिक्यूलर जो जो मतलब सब्सटेंस हमें दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर को सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास कुछ नहीं तो क्या है, 2, ये हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। ठीक है, अब इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो ये 1 हो गया, अब ये हो जाएगा 2 और 16 का इसमें ऐड करेंगे 16 बन जाएगा 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये किसका मॉलिक्यूलर मास निकला है, वाटर का। तो इसी तरीके किसी भी मतलब सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उन सबको क्या करना है, प्लस करना है, और वही उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास में। तो दोनों को क्या लिख, किस तरीके से इसकी डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटॉमिक आएंगे उन सभी के मासेस को क्या करना है, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मासेस को क्या करना है, प्लस करना है, और फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा वो फाइनली उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल
ऑल कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो तो आप ये बोलते हो कि फॉर एग्जांपल क्या चाहिए, 1 kg ऑफ बनाना चाहिए, तो वो 1 kg ऑफ बनाना वो आपको मतलब 12 बनाना भी देता है, तो 1 kg किसी चीज को डर्जन में भी नापा जाता है। अब दर्जन में तो ये भी बोला जाता है कि 1 dozen 20 rupees का है, 2 dozen 40 rupees का है, तो वो डर्जन बोलेगा तो डर्जन के अंदर कितने पीस आने वाले हैं, 12। उसी तरीके से कुछ चीज ऐसी होती है कि पार्टिकुलरली आप किलो में कोई चीज नापी जाती है तो किलो के अकॉर्डिंग देता है, तो एक चीज होती है तो मतलब पार्टिकुलरली उसका जो सेंस होता है कि भाई इस चीज को इसमें मतलब मेजरिंग किया जाता है या डजन में लिया जाता है, किलो में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है, उसी तरीके से 1 mol को भी एक वैल्यू दी गई है। 1 mol की भी 1 mol ऑफ इज इक्वल्स टू 1 mol इज इक्वल्स टू 6.022 × 10^23 ये होता है। मतलब 1 mol किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर 1 mol प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6.022 × 10^23 ये होगी उसकी वैल्यू। अगर आपको कोई 1 mol बोला जाए तो हम उसको इस तरीके से बोल सकते हैं 6.022 × 10^23 ठीक है। और इसी को इस नंबर को एक साइंटिस्ट है उन्होंने मतलब बताया था जिनका नाम था एवोगैड्रो, इसीलिए इस नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर्स भी कहा जाता है, और इसे n·0 से इस तरीके से इसे डिनोट भी किया जाता है ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ, मोल कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू 1 mol ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी मोल का किसी भी सब्सटेंस में 1 mol इज इक्वल्स टू 6.022 × 10^23 एंड इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसको n·0 से इस तरीके से डिनोटेट किया जाता है ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।